हेलो दोस्तों, मेरा नाम रहीम। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ लॉकडाउन के दौर में RTO पास घर बैठे कैसे बनाते हैं। तो चलो चलते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन कर लेने के बाद आपको सर्च बार में RTO ऑनलाइन पास सर्च करना है। सर्च कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको अपने माउस के को स्क्रॉल करना है और मोटर वाहन विभाग पर क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको ई पास फॉर गुड व्हीकल पर क्लिक करना है। वहाँ आपको दो तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद में आपके सामने एक फॉर्म खुल के आएगा, जहाँ आपको अपनी पूरी डिटेल फिल करना है। सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेने के बाद में आपको गाड़ी मालक का नाम डालना है। नाम डाल लेने के बाद में आपको ड्राइवर का नाम डालना है। ड्राइवर का नाम डालने के बाद आपको ड्राइवर का लाइसेंस नंबर डालना है। ड्राइवर का लाइसेंस नंबर डालने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको अपनी मेल आईडी डालना है। मेल आईडी मैंडेटरी है, क्योंकि आपको मेल आईडी पर ही आपकी ई पास भेजी जाएंगी। मेल आईडी डाल लेने के बाद आपको व्हीकल नंबर डालना है। इसमें आपको सभी डिटेल करेक्ट डालनी है। उसके बाद आपको व्हीकल चेसिस नंबर डालना है। आखिरी के 5 डिजिट डालना है आपको। उसके बाद में आपको व्हीकल टाइप सिलेक्ट कर लेना है। व्हीकल टाइप सिलेक्ट करने के बाद आपको नेचर ऑफ गुड टू बी ट्रांसपोर्टेड, मतलब आप किस लिए पास बनाना चाहते हैं, वो रीज़न डालना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर फूड, फ्रूट, किराना एक्सेट्रा। इसके बाद आपको कहाँ से, एरिया ऑफ ऑपरेशन, मतलब आपको कहाँ से कहाँ तक पास बनानी है, वो डालना है। जैसे कि अंजनगांव सुरजी से ऑल महाराष्ट्र में सभी जगह के लिए पास बनानी है, तो मैं ऑल महाराष्ट्र डालता हूँ। आपको ड्यूरेशन ऑफ पास, यानी कौन से तारीख से कौन से तारीख तक आपको पास चाहिए, वो आपको डेट सिलेक्ट कर लेनी है। मैं सिलेक्ट करता हूँ इस महीने के 8 तारीख से अगले महीने की 8/7/2020। फिर आपको कैप्चा फिल करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह की नया विंडो ओपन हो जाएंगी। इसमें आपको सभी तरह से अपनी डिटेल चेक कर लेनी है और रेफरेंस नंबर भी आपको इस पर दिखाई देगा और सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट फॉर कर्फ्यू पास फॉर गुड व्हीकल एप्लीकेशन नंबर इस तरह दिखाई देगा। आपको एप्लीकेशन नंबर को कॉपी कर लेना है और प्रिंट बटन पर क्लिक करके आपको इस एप्लीकेशन स्लिप को अपने डेस्कटॉप पर सेव कर लेना है। मैं अपने डेस्कटॉप पर सेव करता हूँ। इसी तरह आपको भी अपने डेस्कटॉप पर इस एप्लीकेशन स्लिप को सेव कर लेना है।
सेव कर लेने के बाद आप इस एप्लीकेशन के द्वारा अपने पास का स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपको चले जाना है पहले टैब पर, इस एप्लीकेशन नंबर को आप कॉपी कर लीजिए। आपको चले जाना पहले टैब पर और ई पास फॉर गुड पर क्लिक करना है और चेक स्टेटस ऑफ योर ई पास एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको थ्रू एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर क्लिक करना है और अपना रेफरेंस नंबर डालना है और ट्रैक थ्रू एप्लीकेशन सबमिट डेट, मतलब आपने किस तारीख को अप्लाई की है पास, वो तारीख सेलेक्ट कर लेनी है और वर्ड वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ फिल करना है। जैसे ही आप फिल करके सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इस तरह का इंटरफेस दिखाई देने के बाद आपको एस पर क्लिक करना है। आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देंगे, थ्रू OTP, थ्रू एप्लीकेशन डिटेल। हमें थ्रू एप्लीकेशन डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे आप थ्रू एप्लीकेशन पर डिटेल पर क्लिक करेंगे आपको नेम ऑफ द व्हीकल ओनर का नाम डालना है। मोबाइल नंबर डालना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त मोबाइल नंबर डाला था वो डालना है। कैप्चा फिल करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपके सामने एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर दिखाई देगा, नेम ऑफ द सर्विस अप्लाइड बाय, उसके बाद में एप्लीकेशन ड्यू डेट जिस तारीख को आपने अप्लाई किया, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म और व्यू पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह की पूरी आपकी डिटेल दिखाई देंगी। सभी तरह से आप चेक कर सकते हैं और आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर दिखाई देगा, आपके आपने अप्लाई किया है, कहाँ पे अप्लाई किया है, RTO रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, ये सब दिखाई देगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।